सबसे बड़ा जो समझो तो दान यही है, यही है। इंसान होने की पहली पहचान यही है, यही है। जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन, अनपढ़ से धन ये है बांटने का गरीब जतन। एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। पढ़ना लिखना ही नहीं मतलब पढ़ाई का, इसमें तो पैगाम छिपा से हद सफाई का। जीवन की मुश्किल राहों को कर दे ये आसान। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रिंसिपल बंसल जमीन की खुदाई से मिली मूर्ति जैसी ही कुछ और मूर्तियां बाजार से मंगवा लेती हैं। अब लड़कों की पोल खुल जाती है, उन्हें फौरन मंडेसर छोड़कर जाने की सजा दी जाती है, पर मुखिया जी के कहने पर उन्हें माफ कर दिया जाता है। अजीत पाल अपने दादा के लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल में जाने की तैयारी करता है। शालिनी अकेले में मौका पाकर राघव से अपने दिल की बात कहती है, मगर राघव उसे समझाता है कि अभी उनकी इन चक्करों में पड़ने की उम्र नहीं है। शालिनी नहीं मानती और राघव के करीब आ जाती है और यह दृश्य मैडम खत्री देख लेती है। अब आगे। मुझे तुम जैसे होनहार और प्रतिभाशाली छात्रों से ये उम्मीद नहीं थी। जानते हो ना हम यहाँ क्यों आए हैं? इन गांव वालों को साक्षर बनाने। अगर उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का पता चलेगा तो क्या सीखेंगे वो तुमसे? कितना विश्वास है उन्हें हम पर कि हम उन्हें जीवन में सही राह दिखाएंगे। और जब उन्हें तुम्हारी इन करतूतों का पता चलेगा तो क्या विश्वास रह जाएगा उनका? I'm sorry, ma'am. Shut up! तुम दोनों ने जो किया है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस तरह से छुप छुप कर बोल खिलाना, शेम! तुम्हारी इस करतूत का दूसरे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा ये कभी सोचा तुम लोगों ने? मैम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुमको मिसेस खत्री ने रंगे हाथों पकड़ा है और तुम कहते हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाओ तुम दोनों यहाँ से, और याद रखो इसके बाद तुम दोनों इस स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है तुम्हें? शालिनी बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है। मैंने कल मौका देखकर इसे बॉय स्टैंड में अकेले बुलाया था। इसे तो मेरी नियत का पता ही नहीं था। Are you sure? सच कह रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शालिनी बेकसूर है, जो सजा दी जाए वो सिर्फ मुझे दी जाए। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। जाओ। राघव, शालिनी अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम जा रहे हो राघव? तुमने सुना नहीं मैडम ने मुझे फौरन यहाँ से चले जाने के लिए कहा है? मुझे माफ कर दो राघव, प्लीज। शालिनी अगर माफी मांगनी है तो अपने आप से मांगो, अपनी सोच से मांगो, और जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई कदम ना उठाओ इस बात की कसम खाओ। तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इसलिए कि तुम समझ सको कि जीना किसे कहते हैं। जिंदगी जीना सिर्फ अपने स्वार्थ का नाम नहीं है शालिनी, जैसा कि तुम सोचती आई हो। मैंने बेकसूर होते हुए भी सारा इल्जाम अपने सर पर सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि उस वक्त मुझे ख्याल आ गया था तुम्हारी बूढ़ी असहाय माँ का, जिसकी तुम इकलौती बेटी हो
और जिसकी सारी आशा तुम पर टिकी हुई है। अगर तुम्हें तुम्हारी इस करतूत की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता तो वो तो जिंदा ही मर जाती। कितनी मेहनत करके वो तुम्हें पढ़ा लिखा रही है, बूढ़े हाथों से सिलाई करते हुए वो हर पल एक सपना भी सिलती है शालिनी। उसके तो सारे सपने एक कच्चे धागे की तरह उधड़ी जाते। तुम्हें स्कूल से मिलने वाला स्टाइपेंड भी बंद हो जाता, फिर तुम किसी और स्कूल में भी अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर पाती? अगर तुम्हें सजा मिलती तो तुम्हारी माँ कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाती। बस इसलिए मैंने ऐसा किया। शालिनी, मुझे खुशी होगी कि अभी तुम भी किसी के लिए ऐसे कुछ करो। राघव, तुम, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। राघव, तुमने कभी शालिनी की माँ को देखा नहीं, सिर्फ उनके बारे में सुना है, फिर भी उस रिश्ते की गहराई को समझा? माँ की आंखों में बसे चंद सपनों को उनकी बेटी ना देख पाई, उसे तुमने देखा? ये तुम्हारी सोच है या फिर तुमने इस दर्द को महसूस भी किया है? मैम, मैंने शालिनी की माताजी को कभी नहीं देखा, ना ही मैं पहले ऐसा कभी सोचता था, पर मैंने इस गांव की एक बूढ़ी जानकी चाची को देखा है। जानकी चाची? हाँ मैम, उसकी भी इकलौती लड़की थी, बड़ा प्यार करती थी वो अपनी बेटी को, पर एक दिन अचानक वो घर से चली गई, शायद किसी के साथ, पता नहीं कहाँ। बेटी की जुदाई का दर्द आज भी उनकी आंखों में है। शालिनी की माताजी का सोचा तो बूढ़ी जान की चाची याद आ गई, जिनके दर्द को उनके गांव वालों के तानों ने और बढ़ा दिया है। तो क्या जान की चाची हमारी प्रौढ़ शिक्षा की क्लासेस में नहीं आती? हाँ मैम, वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गांव वालों की हंसाई और बातों से डरती हैं, इसलिए वो उनके साथ पढ़ना नहीं चाहती। अपनी बदनामी के कारण वो सबसे अलग रहना चाहती हैं। राघव, put your luggage back. मैम, तुम वापस नहीं जा रहे हो। मैम, शालिनी, शालिनी को उसके किए की सजा मिल चुकी है। पछतावे के आंसू ने उसकी सोच, उसकी कसूर की सारी कालिख धो डाली। जाओ ना, हरी अप। थैंक यू मैम। ओके। मैडम, हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। यस मिसेस कत्रे, बस मन की आंखें खुली होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। माँ, कौन? सुल्की बेटी लौट। मैं, अरे तू तो वो स्कूल वाली बच्ची है ना, न जाने मुझे लगा मेरी सुल्की लौट आई है। अब देखो ना, मैं भी झूठी आस के सहारे जिंदा हूँ। अब कहाँ लौट कर आएगी मेरी छोरी? तुम मुझे अपनी बेटी ही समझो माँ। सच ठीक कहती है बेटी, तेरे माँ पुकारने में वही प्यार छिपा है जो मेरी सुल्की की आवाज में था। माँ, ये किताब किसकी है? ये सुल्की की है, उसके मामा लाए थे उसके पढ़ने के लिए, पर पढ़ाता कौन? मैं अनपढ़, स्कूल यहाँ है नहीं, तो सुल्की ना इसमें बड़ी तस्वीरों को देखा करती थी अपने चुटपन में। मैं इन किताबों में बसी अपनी बेटी के छोर को महसूस करना चाहती हूँ।
अब उसकी चींचे ही तो मेरे जीवन का सहारा। ना जाने कहाँ चली गई मेरी चोरी मैंने छोड़ के। माँ तुम दिल छोटा मत करो, मैं जब तक यहाँ हूँ तुम मुझे ही अपनी बेटी समझो। तुम एक माँ की तरह मुझे प्यार करना और मैं एक बेटी की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। सच कहती है बेटी तू। आज ना परसों बाद किसी ने मेरी ममता को सहलाया। आज आज परसों बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी कहीं गई नहीं, यही है, यही मेरे पास ही। माँ कितना अच्छा हो अगर तुम सुल्की की इस किताब को पढ़ना सीख लो। पढ़ना तो मैं चाहती हूँ बेटा। सुना है तुम गांव के लोगों को पढ़ाती भी हो। हाँ माँ, तो तुम क्यों नहीं आती पढ़ने को? लोग हंसते हैं मुझ पर, ताने मार मार कर कहते हैं क्यों जानकी चाची सुल्की का कुछ पता लगा? उसने शादी कर ली या उसने? नहीं माँ, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। माँ गांव वालों की सोच बदलने लगी है, और फिर भी अगर कोई कुछ कहेगा तो तुम्हारी ये बेटी है ना जवाब देने के लिए। माँ उठो चलो पढ़ना लिखना सीखने के लिए। ठीक है मैं कल से आ जाऊंगी। नहीं माँ कल से नहीं, आज से और अभी। चलो कक्षा का समय हो गया, चलो। तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह जिद्दी है। अच्छा चल। जाएगी मुझे छोड़ेगी नहीं। चल आपका छोटा भाई ओमपाल। छोटा भाई अब क्या लेने आया है? भैया मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांगने आया हूँ। मांग ले, सब कुछ तो लूट लिया तूने, अब हमारे पास क्या बचा है? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं रास्ता भटक गया था। मैं आपसे सही राह का पता पूछने आया हूँ भैया। सही राह का पता? तू तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता था ना, आपको बहुत अकलमंद समझता था। आ अंदर आ। आ बैठ। भैया मैं पढ़ा लिखा तो जरूर पर पढ़ाई का मतलब नहीं जाना। जो लोग अनपढ़ हैं निरक्षर हैं मैं उन्हें अपने से छोटा समझने लगा था। अरे छोटा क्या, तू तो हमें बेवकूफ समझता था, बात बात पर उल्लू बनाकर पैसे ऐठे हैं तूने हमसे। नहीं भैया मैंने आपको बताया ना कि पढ़ाई ने मुझे घमंडी बना दिया। मैं ज्यों ज्यों पढ़ता गया मुझे अपने परिवार वाले, ये गांव वाले, ये गांव का जीवन सब तुच्छ लगने लगा। और मेरी सोच का फायदा मेरे कुछ दोस्तों ने उठाया, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे, मुझे अपने से ज्यादा अकलमंद कोई नजर नहीं आता था, क्योंकि वो लोग मुझे सबसे ज्यादा अकलमंद होशियार और चालाक बताते थे। पर बदले में उन्हें क्या मिलता था? भैया उन्हें मिलती थी मौज मस्ती, आपके द्वारा भेजे गए पैसे से खरीदी हुई मौज मस्ती, घूमना फिरना, खाना पीना। और इन सब चक्करों में पढ़ करके मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाया, और जब मेरे पास मेरे पैसे खत्म हो गए तो भैया मेरे दोस्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया। मतलब ये कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। भैया मैंने अपने एक एक दोस्त से मदद मांगी, जीने के लिए उधार मांगा, करने के लिए काम मांगा, पर तुमने मुझे नकारा समझ के धुतकार दिया। भैया तो
तुझे अपने घर वालों की याद आई, जब अपने भाई का ख्याल आया। भैया मैं और करता भी क्या भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया। अच्छा हुआ भाई तुझे वक्त सब कुछ सिखा दिया कि शिक्षा का क्या मतलब होता है। अरे ये तो वो धन है जो बांटने से और बढ़ता है, और जिसने इस धन पर घमंड किया तो समझो कि तिजोरी को जंग लगा। भैया ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? अरे उन लोगों ने जो हम अनपढ़ों के साथ अपना ये धन बांट रहे हैं, हमें लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। भैया वो लोग कौन है? एक स्कूल के बच्चे हैं, वो ज्ञान दान करने आए हैं वो यहाँ। वो हमें अक्षरों की पहचान ही नहीं कराते बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की राह भी दिखाते हैं। भैया तो क्या आपको पढ़ना लिखना आ गया? भैया भैया आप लिख सकते हैं? वो देख भगवान का कैलेंडर। अरे जा जा रहा उसको उठा के देख। जी भैया। यहाँ तो मेरा नाम लिखा है। हाँ, मैंने लिखा था तेरा ये नाम। जिस तरह भगवान बसता है ना दिल में किसी, इसी तरह तू बसा था मेरे भाई। तू क्या समझता है तू हमसे रूठ गया तो क्या हम तुझे भुला देंगे? भैया बनारसी दास जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपके भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस लौट आए। आपने ठीक कहा था बहन जी, कसूर इसकी पढ़ाई का नहीं था, कसूर तो इसकी गलत सोच का था, और कुछ कसूर मेरा भी था, मेरी अनपढ़ता और अज्ञानता का था, जो मैं इसे गलत राह पर चलने से रोक नहीं सका। कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि शिक्षा इंसान को इंसान से दूर नहीं करती बल्कि मानवता को एक नई सोच देती है, सब मिलकर इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की चाहत पैदा करती है। शिक्षा के आदान प्रदान का ये रिश्ता शिक्षा ही तो देती है, और इस रिश्ते में बंधने की, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। ये तो मैंने देख लिया मैम। भैया इस उम्र में भी कितना चाप से पढ़ लिख रहे हैं और इन्हें दुनिया भर की बातों का सब पता चल रहा है। अरे मैं ही क्यों, गांव के कितने ही बड़े बूढ़े इस ज्ञान दान कार्यक्रम में ज्ञान की सीख ले रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बनासी दास जी, सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मकसद भी यही है कि जो अनपढ़ रह गए हैं उन्हें पढ़ाया जाए, कम से कम साक्षर तो बनाया ही जाए। और इस दिशा में सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं के अलावा हमें अपने अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए। अगर एक को एक पढ़ाए तो न जाने कितने साक्षर बन जाए। मैं भी इस दिशा में कुछ करना चाहता हूँ। जो तुमने अब तक किया क्या उसके पश्चाताप के रूप में? नहीं मैम, एक पढ़े लिखे इंसान का कर्तव्य समझकर ये बात ठीक है कि भैया जैसा चाहते थे मैं उतना नहीं पढ़ सका, पर फिर भी गांव वालों को तो मैं साक्षर बना ही सकता हूँ ना। क्यों नहीं, तुम आज से और अभी से हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हो, और जब हम यहाँ से चले जाएं तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हो। ठीक है मैम, मैं ऐसा ही करूँगा। और गांव वालों को पढ़ाते पढ़ाते प्राइवेट तौर पर तुम अपनी अधूरी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी। अच्छा बहन जी तो अब हम चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, क्या बात है जी? वो मैंने आपसे जंगलों में जाने में परमिशन मांगी थी ना। ओहो, वो जड़ी बूटियां लाने के लिए? जी जी। हाँ, तुम आज नहीं जा सकते क्योंकि मैं मुखिया जी से कल पूछ कर रखूंगी, अगर वो कहते हैं कि वहाँ कोई खतरा नहीं है तो फिर तुम चले जाना। ठीक है। ओके, राइट मैम।
ये हरे भरे लहराते हुए खेत, ये ममता से भरी गोद जैसी ये धरती, सुख की छाम जैसा ये गांव, और भोले भाले गांव के ये लोग, यही सब तो थे मेरे अपने, यही तो पूरे होने थे मेरे सपने। क्यों रे ओमपाल, बड़ी कविता करने लग गया है तू? पर सुन रे, कविता करनी है तो कबीर और रहीम जैसी, जो गांव वालों के लिए नहीं बल्कि सारे जग के काम आवे। भैया मैं कविता नहीं कह रहा था, ये तो मेरे पश्चाताप के आंसू थे जो दिल की गहराई से निकल के शब्द बन के मेरी जुबान पर आ गए। पगले, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई। तू अफसोस मत कर, चला इधर बैठ। ये क्या है भैया? अरे नाश्ता लाया हूँ मैं तेरे लिए। तू तो सुबह ही बगैर खाए पिए निकल गया था, और मैं इस पोटली को लिए लिए सारे गांव में तुझको ढूंढ आया, और तू मुझे मिला यहाँ इस खेत पर। अब खा भी ले। आप भी खाइए ना भैया। अरे मैं तो तुझे खाता देखकर ही खुश हो लेता हूँ। भैया तुम पहले भी यही कहते थे, याद है जब मैं छोटा सा था तो तुमने मुझे दूर गांव के अंदर स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। हाँ रे, सब याद है मुझे। तब भी हमारे गांव में स्कूल नहीं था, और आज भी हमारे गांव की वही हालत है। भैया उस स्कूल में जब आधी छुट्टी होती थी तुम तब भी इसी तरह से मेरे लिए खाना लेकर के आते थे। हाँ याद है मुझे, तू अकेला ही था गांव में जब तू पढ़ने जाता था। आप तब भी यही कहते थे भैया, मैं जब भी आपको निवाला तोड़ के खिलाने लगता था आप मुझे कह देते थे कि तुझे खाते देख के मेरा तो पेट ही भर गया। हाँ तब भी मैं यही कहता था, पर एक फर्क पड़ गया भैया। कैसा फर्क रे? भैया उस वक्त आपकी आंखों में उन सपनों की चमक थी जो आपने मेरे लिए देखे थे, पर आज आपकी आंखों के अंदर उन सपनों के टूट जाने का दर्द है जो बार बार आंसू बनकर आपकी आंखों में लहरा जाता है। तू फिर वही बात लेकर के बैठ गया। मेरे भाई सपने अगर टूटते हैं तो उनकी जगह नए सपने पैदा हो जाते हैं, और आज भी तेरे भाई ने एक नया सपना देखा है। तू पढ़ लिख गया है, तू अपने गांव वालों को पढ़ा रहा है, खुद भी सीख रहा है औरों को भी सिखा रहा है। हाँ भैया ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा, ये कठिन भी नहीं है। इस सपने को पूरा करने की राह मुझे ज्ञानदान कार्यक्रम ने दिखा दी है। अरे बच्चों के इस ज्ञानदान ने न जाने कितनों को ज्ञान की राह दिखा दी, और मैं भी अपनी कुछ सोच की राह से भटक सा गया था। मैं बनारसी दास जो बरसों पहले अपने भाई को पढ़ाना लिखाना चाहता था, अच्छी शिक्षा देना चाहता था, और वही आज शिक्षा के खिलाफ हो गया था। हाँ भैया ऐसी शिक्षा जो भाई को भाई से अलग कर दे, तुम उसके बारे में और सोच भी कह सकते थे। हाँ बंसल बहन जी ने मुझे एक बात समझाई कि शिक्षा में कोई अवगुण नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। गुण होता है तो अशिक्षा में, और कमियां होती है तो निरक्षरता में, और अपनी इसी कमी के कारण मैं कुछ का कुछ सोचने लगा था, पर बहन जी ने मेरे मन में सच्ची बात का प्रकाश फैलाया, और तू लौट आया है, अब मुझे कोई दुख नहीं है। सच कहते हो भैया, तुम्हें उस जमीन के चले जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है जो तुमने मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए गिरवी रख दी थी? नहीं नहीं मुझे कोई दुख नहीं है। अरे हमने जो पा लिया है उसके आगे इस जमीन के टुकड़े की तो कीमत ही क्या है। आज मैं साक्षर हो गया हूँ और तू पढ़ ले गया है, हमारे आंगन में ज्ञान का वृक्ष पनप रहा है, और शिक्षा की प्यार हमारे जीवन की बगिया को महका रही है। भैया तो इस जमीन के लिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना? नहीं नहीं कोई फर्ज नहीं है, तूने जो राह चुनी है बस तुझे उसी पर चलना है, और औरों को भी चलाना है। भैया इस राह में कामयाबी के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है रे पगले, मैं तेरे साथ हूँ, और ये गांव वाले तेरे साथ हैं, और हम सबको मिलकर शिक्षा और ज्ञान का सवेरा हर घर में लाना है। हाँ भैया एक ऐसा सवेरा जिसमें बात होगी सफाई और स्वच्छता से जीने की, बच्चों की सही परवरिश की, और परिवार के कल्याण की। हाँ ओमपाल यही तो बंसल बहन जी भी कहती है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ पढ़ने लिखने का नाम नहीं है, अरे ये तो ज्ञान के हर झरोखे को खोल देती है,
और इंसान इससे हुनर सीखता है, दुनिया के बारे में जानता है और देश की एकता को समझता है। औरतें अपने हक को पहचानती हैं। गरीब, दलित, पिछड़े लोग अपनी लाभकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं। हाँ भैया, अब हमारे गांव वाले भी इसमें पूरा योगदान देंगे। पिछड़ेपन के कांटों की जगह अब विकास और शिक्षा की कलियां हमारी राहों में भी महकेंगी। जरूर महकेंगी। अब ये सपना टूटेगा नहीं, ये सपना जरूर पूरा होगा, पूरा। कौन है आप?